हेलो, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग का काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। सब लोग पूछ रहे थे, सर मंडे को लाइव क्यों नहीं है। सो बेसिकली मेरा प्लान था मंडे को लाइव आने का। मैं होम टाउन आया हूँ मेरे, तो यहाँ से प्लान था एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए मैं लाइव आ जाऊँ। बट यहाँ का वाईफाई, अगर आप देखोगे यहाँ पे समवेयर वाईफाई जब से पूरी रेड लाइट लगी है और वाईफाई चल नहीं रहा। और मैंने इंटरनेट प्रोवाइडर से कल से 10 फ़ोन किया हो गया, तो उसने वो अभी तक आया नहीं। यही प्रॉब्लम होती है कि जब आप स्मॉलर टाउन्स में जाते हो वहाँ पे आपको सर्विस अच्छे से नहीं मिलती। फिर मैं माइक भी भूल गया था, मैंने यहाँ पे 10 जगह माइक भी ढूंढा, माइक भी मुझे नहीं मिला। सो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन अगर लाइव नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो बेसिकली मेरा मंडे को पूरा काम होने वाला था। यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना था और मंडे को ही मैं गाड़ी पिक करके वापस पुणे जाने वाला था। बट थोड़ा इशू हो गया, जो डॉक्यूमेंटेशन जिसके पास करना था वो आउट ऑफ टाउन चला गया, और उसके वजह से मुझे एक और दिन यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ा। तो आई होप अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए बैंक जाना है आज ट्यूसडे। बहुत मिस कर रहा हूँ फिन निफ्टी एक्सपायरी की लाइव स्ट्रीम। और बोलते हैं ना कि एक डायलॉग है मूवी का, कुछ पाने के लिए कितना भी कोशिश कर लो बनी जिंदगी में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो यही हो गया, अभी कुछ पाने के लिए हमारी स्ट्रीम छूट रही है। बट ठीक है, कल से हमारी लाइव स्ट्रीम प्रॉपर होगी। तो अभी बैंक चलते, 11 बज चुके हैं, मार्केट भी बहुत अच्छे से फॉल कर रहा है। देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। पूरी जर्नी ट्राई करूंगा कवर करने की, बिकॉज अभी डिलीवरी ठीक है, गाड़ी रेडी है, बट बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, जैसे कि बैंकिंग का डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद जो RTO ऑफिस है वहाँ से मुझे नंबर की रिसिप्ट भी पिक करनी है। तो ये दो चीज़ें करके ही मैं गाड़ी लेने जा सकता हूँ। तो फटाफट ट्राई करूंगा 2 घंटे के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने जा। ऑलराइट गाइस, सो पूरा दिन इसी प्रोसेस में चला गया। अभी आप देख सकते हो 3 बजे, मैं सुबह 11 बजे से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन थे, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी बस 1 घंटे में जाना है मुझे, 4 बजे डिलीवरी की बात हुई है तो 4 बजे जाना है। और पता है, मैंने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं पता है। अभी मैं पेरेंट्स को भी नहीं बताना चाहता था, उनको सरप्राइज देना चाहता था, बट डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनकी ज़रूरत थी तो उनको बताना पड़ा। बट सिवा मेरे पेरेंट्स के और किसी को नहीं पता। तो अभी दोस्तों का रिएक्शन देखने में मज़ा आएगा, सबका रिएक्शन देखने में मज़ा आएगा। ये मेरा यहाँ का होम टाउन का लिविंग रूम है, बेसिकली ऐसा ही है। और खुशी है गाड़ी आने की, लेकिन दुख इस बात का यार, 2 दिन से लाइव स्ट्रीम मिस हो गई। और लाइव स्ट्रीम का अभी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस है कि जिस भी दिन मिस हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ बहुत बड़ा पार्ट दिन का मिसिंग है, या शरीर का एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग है। ऐसा बोलते हैं ना कि रोज़ पानी पीना, खाना खाना जितना ही ज़रूरी है, उतना ही डेली लाइव स्ट्रीम करना मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो अभी निकलना है बस थोड़ी देर में, लाइव स्ट्रीम सॉरी देखो लाइव स्ट्रीमिंग बोल रहा हूँ, निकलना है थोड़ी देर के लिए गाड़ी की डिलीवरी लेने। चलो थोड़ी देर में निकलते हैं और देखते हैं कैसा वहाँ पे क्या क्या होता है। सो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। अभी डिलीवरी को थोड़ा टाइम लगेगा, बेसिकली थोड़े चीज़ें बचे हैं काम करना जिसपे। तो अभी बस बैठ के दो फील ले रहा हूँ और देख सकते हो कितना बेस्ट फील आ रहा है। इस व्लॉग के बीच में मैं एक फिल्म टाइप ट्राई करूँगा कुछ डालने के, थोड़े क्लिप्स, ताकि आपको थोड़ा फील आए। बाकी गाड़ी तो बेस्ट है, अब इसको ड्राइव करके देखेंगे। देखा जाए तो मैं फर्स्ट टाइम ही इसे ड्राइव करूँगा, मतलब बेसिकली फॉर्चुनर फर्स्ट टाइम ही ड्राइव करूँगा मैं, तो मज़ा आएगा। ये 4x4 है, तो कभी वीकेंड पे ऑफ रोडिंग का भी हम ट्राई करेंगे ब्लॉग देखने के लिए। तो ऑलराइट, द बीस्ट इज़ रेडी। और अभी बस थोड़ा इसको हार वगैरह लगाना है और डिलीवरी के लिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका।
गाइस फाइनली गाड़ी आ चुकी है जो सरप्राइज था। 2 दिन से इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और आपने फिल्म देखी होगी, ये छोटी सी क्लिप, बहुत बहुत सही दिख रही है गाड़ी। अब पुणे के लिए निकलना है, टाइम देखा जाए तो 8 बज चुके हैं और 6 घंटे का रास्ता लगता है, 5 से 6 घंटे का, तो रात को 2 बज जाएंगे, 2 ढाई बज सकते हैं पुणे पहुँचने के लिए। तो होपफुली कल स्ट्रीम टाइम पे हो जाए और मजा आया। बस अब कैसे ही प्यार देते रहना। भाई फॉर्च्यूनर तो बहुत है रोड पे, लेकिन आपको जिस फॉर्च्यूनर में इंटरेस्ट है वो किसकी है? किसकी है भाई, कौन है ये? रेडर्स पैराडाइज ब्रो, ये नई फॉर्च्यूनर में अपन बैठे हैं अभी, क्या लगता है? मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तो विराज था। यस ब्रो, अपने बचपन का सपना है ये गाड़ी, है ना? और अपना भाई अगर लेगा तो इतना एक्साइटमेंट जो होता है वो मेरे को ही होगा सबसे ज्यादा। अभी बस भाई की गाड़ी के लिए रुके हैं, बस भाई की आप आएगी ना भाई, आएगी, तारीख लगाए तो साइड बाय साइड चलेंगे। यस, फिलहाल भाई की गाड़ी आ चुके तो भाई से पूछते हैं कि एग्जैक्टली कैसा लग रहा है फॉर्च्यूनर फाइनली लेके। तो यार बहुत, मतलब बोलते ना कि बहुत टाइम से ऐसा लगता था कि जब रोड पे गाड़ी जाती थी कि भाई ये गाड़ी अपने अपन के पास होना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी का जो बोलते ना रोला, अलग ही रोला है। और ऐसा हुआ कि मैंने व्लॉग स्टार्ट तो किया था लेकिन पूरा बना नहीं पाया जब मैं होम टाउन में था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे आजू बाजू और बहुत सारे काम सब चीज़ें हो रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार पुणे निकलते, आज पुणे पहुंचे और जैसे ही स्ट्रीम हो गई, विराज का फोन आया, बोला कि चलो गेड़ी मारने निकलते हैं। और निकले बाहर, अभी लोनावला आए, थोड़ी देर जस्ट बहुत 100 की स्पीड से फुल मजा आया। और अब विराज को भी थोड़ा एक्सपीरियंस देते इस गाड़ी का। विराज को देखा जाए तो विराज फर्स्ट टाइम फॉर्चुनर में बैठा है, ये बहुत राइट। एक्चुअली हम दोनों भी, और इसने तो ये तो लिया और डायरेक्ट खुद की फॉर्चुनर में फर्स्ट टाइम बैठा है, राइट। सो प्राउड होता है भाई, जब साथ में सपने देखते थे कि भाई फॉर्चुनर लेंगे या फिर कैसे ले सकते हैं, ऐसे जब प्लानिंग करते थे ना बिजनेस की, या फिर ये करेंगे वो करेंगे, तो ये चीज आपको मैं बता दूं कि ये एक बार में नहीं आई है। इससे पहले 10 चीजें की है, 10 बिजनेस ट्राई किए, 10 बार टारगेट लेने की कोशिश की है, तो फाइनली जब टारगेट हिट होता है तो ऐसा टारगेट हिट होता है। ये आप लोग भी, आप लोगों के लिए मोटिवेशन होगा, मेरे लिए भी मोटिवेशन है भाई। अपना भाई, बचपन का दोस्त, LKG से जो साथ में है, आज अगर फॉर्च्यूनर ले रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। देखो बस, तो हमारे ग्रुप की पहली फॉर्च्यूनर आ चुकी है, अभी दूसरी विराज की आएगी, आएगी और भी आएगी। इतना ही बोलूंगा कि देखो, सब अपने कंसोलिडेशन फेज में होते हैं, मोस्टली लोग कंसोलिडेशन में एग्जिट कर देते हैं, बट गेम क्या है कि भाई टिके रहो, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। और ये भाई बहुत जस्ट स्टार्ट है, अभी तो एज बहुत छोटी है, अभी तो रिवील नहीं करूंगा, एक दिन करूंगा, लेकिन बहुत कम एज है, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। बोल सकते हैं आप सीढ़ी का पहला ही स्टेप है और बहुत सारी चीजें करनी है साथ में। नाम तो जानते हो, यंग है अभी हम लोग भी, मेरा तो नाम क्या गया, यंग है, तो दोनों ने भी यंग एज में स्टार्ट किया है, देखते हैं अभी ये यंग का सफर कहाँ तक जाता है। यस, और सर क्या बोलना चाहोगे, कुछ और दो शब्द फॉर्च्यूनर के लिए कुछ बोलो, कैसा लग रहा है, क्या नहीं? बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार सर फॉर्च्यूनर क्यों लिए, अपने मर्सिडीज, ऑडी या BMW क्यों नहीं ली, तो आप क्या बोलोगे फॉर्च्यूनर का थोड़ा क्या है? एक चीज बोलूंगा भाई, सामने यहाँ पे BMW है, ये आप दिख रही होगी आपको, है ना, आई होप आपको दिख रही है। तो भाई उस गाड़ी में भी वो मजा नहीं है जो इस फॉर्च्यूनर में मजा है, ठीक है ना? एक जो होती है ना थार, फॉर्च्यूनर, इसका एक अलग ही टोरा होता है ना, राइट। तो चाहे मर्सिडीज वाला भी हो कोई, तो सामने अगर आ गया तो ये फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर ही रहेगी। चलो अभी थोड़ा लोगों को भी थोड़ा सीनरी दिखाते, थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाते, थोड़े सिनेमैटिक्स देख लो अभी आप गाड़ी के। मैं शूट करूंगा, अभय सर का उतना कैमरा का जो गेम है वो सही नहीं है, मैं उनको शूट करके देता हूँ, वो व्लॉग्स में अपलोड कर देंगे। यस ओके, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, और सब्सक्राइब करो 100 के करने अपने को और अपने 400 के, राइट सर के 400 के, मेरे 100 के, जल्दी 4 जुलाई को साथ में कुछ ना कुछ आएगा, बने रहो।